there's no way you don't wanna get. Don't try to drain my energy, the energy. थोड़ा एक्सलेट करना एक बार. उसने सारे कनेक्टर्स ले रखे हैं, BS3, BS4, BS6 और सारी डेटा. ठीक है, उसमें एनालिटिक्स भी आप देख सकते हो. सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज. आज मैं लेके आ गया हूँ एक अलग कॉन्टेंट, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो टॉर्क एप्लीकेशन है और जो हमारा डिवाइस है जो हमारी बाइक से कनेक्ट होता है उसके बारे में बताऊँगा. तो बात सारी ये है कि यार बाइक में अगर आपके कोई भी इशू आ जाता है, ठीक है, कोई भी इश्यू रिगार्डिंग या कोई एरर, तो आप लोग क्लियर कर सकते हो उससे एप्लीकेशन से. ठीक है, कोई भी फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट वो पकड़ लेती है एप्लीकेशन, ठीक है ना. और डिवाइस जो हमारा होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी इस क्लिप में, कि इस तरीके का डिवाइस होता है हमारा. और ये आप कैप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट में, ठीक है, तो ये कैप है. ये कैप खुल जाती है इस तरीके से और इसमें हमारा ये अटैच हो जाता है. तो इसमें जैसे चार ये है ना, ये छः टोटल छः इसमें वो होते हैं होल. तो इसमें एल शेप वाला है, तो एल शेप वाला हमारा BS3 में यूज़ होता है और BS4 में हमारा यूज़ होता है थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है. और उसमें BS4 में ये चीज़ हमारी पीछे कनेक्ट हो जाती है सीट के नीचे, ठीक है, रियर सीट के नीचे रहती है रियर सीट के, ठीक है ना, तो वहाँ कनेक्ट होती है. और BS3 में होती है ये आगे की तरफ कनेक्ट और BS4 में होती है रियर सीट के नीचे कनेक्ट. तो बाकी आप लोग इस ऐप से पता लगा सकते हैं कोई भी अपना फॉल्ट का सबसे पहले. और बाकी मैं एक नज़र आप ये जो क्लिप है इसमें आप डालना और इसमें ये देखना कि उसमें एप्लीकेशन आपको क्या क्या बताती है. जैसे इंजन वैक्यूम के बारे में बताएगी, कूलेंट टेम्परेचर के बारे में बताएगी, थ्रॉटल परसेंटेज के बारे में बताएगी और स्पीड के रिगार्डिंग बता देगी आपको और सारी डेटा. ठीक है, उसमें एनालिटिक्स भी आप देख सकते हो कि आपकी बाइक ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, सारी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन में देख सकते हो. और टोटल जो डिवाइस की प्राइस थी, एक्चुअली ये जो है हमारे मैकेनिक का है, ठीक है, तो मैकेनिक का था ये सारा एक्सपेंडिचर उस डिवाइस का. और अभी मैं आपको बस ये एक छोटा सा रिव्यू दिखा रहा हूँ इस मतलब इस एप्लीकेशन का. और बाकी बहुत जल्दी मैं पूरा इसका पूरा रिव्यू लेके आऊँगा, ठीक है ना, अपने चैनल पे. तो फिलहाल एक नज़र आप इस पे भी मार लो इस क्लिप पे कि इसमें किस तरीके से जो टॉर्क एप्लीकेशन है वर्क कर रही है. थोड़ा एक्सलेट करना एक बार देख. कंटेंट आपको पसंद आया तो यार लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर देना ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग. और डिवाइस मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइस आपको 3000 तक पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, अमेजोन से, क्योंकि उस बंदे ने जितने लिया था उसने सारे कनेक्टर्स ले रखे हैं, BS3, BS4, BS6, KTM वगैरह, उसमें सब कनेक्टर्स यूज़ हो जाते हैं और डिवाइस मिल जाती है. और एप्लीकेशन की कॉस्ट आती है उसने बताया 300-400 रुपए की कुछ आती है. बाकी मैं अभी इस पे R&D नहीं करी है इतनी, रिसर्च करेंगे देन आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में टॉर्क ऐप के बारे में. बाकी मिलते हैं किसी नए टेक्निकल ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय.